हेलो व्हाट्सअप, कैसे हो भाई? सारे सारे बढ़िया नहीं होगे ना? सब बोर हो रहे होगे, कोई काम धाम नहीं है, सिर्फ नेटफ्लिक्स अमेज़न प्राइम टीवी हो गया और एक अपना सहारा ये प्लंग हो गया जिसके ऊपर सोना है, जो करना है मतलब इसी के ऊपर ही करना है, खाना पीना रहना सब ये हो चुका, एक कमरे के अंदर बंद हो चुके हो सारे। कोई बात नहीं, कुछ दिनों में लॉकडाउन खुल जाएगा। अभी नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि भाई 3 तारीख तक चलेगा, 3 मई तक चलेगा। कोई बात नहीं, जैसे अभी इतने दिन गुजार लिए, मेरे ख्याल से 20 दिन हो चुके हैं, जैसे 20 दिन गुजार लिए और दिन और गुजार लेंगे, कोई बात नहीं। बट आज तुम्हारे भाई के लिए एक खुशी का दिन है। आज तुम्हारा जा रहा है भाई घर से बाहर, कोई आवारा गर्दी करने नहीं जा रहा हूँ, मेरे को जाना है भाई हॉस्पिटल, ठीक है? और हॉस्पिटल जा रहा हूँ और व्लॉग ना बनाया, मतलब जब जा रहे हैं रोड पे तो व्लॉग तो बनना जरूरी है ना। और खुशी जो है ना मेरे अंदर बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतने दिनों बाद मैं आज घर से बाहर निकल रहा हूँ, तो आपको भी दिखाऊंगा कि इस टाइम दिल्ली में कैसा माहौल है। और मेरे घर के पास एक कोरोना का सेंटर भी है द्वारका के अंदर, और वहां देखेंगे कि किस तरीके का माहौल है, क्योंकि वहां पर जब पहले हम बैट बॉल खेलने जाते थे ना, तो वहां पर बहुत ज्यादा मतलब गार्ड वगैरह लग चुके थे, सीआरपीएफ के और दिल्ली पुलिस के लग चुके थे जब लॉकडाउन हुआ था, उससे पहले की बात है ये। तो आज देखेंगे किस तरीके का माहौल है, क्योंकि मैंने न्यूज में भी देखा है कि जो जमात के लोग हैं वहां पर मतलब टॉयलेट करके बोतल में बाहर फेंक रहे हैं, और किस तरीके से उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है वो तो भाई न्यूज में। बाकी आज हम जा रहे हैं भाई घूमने के लिए, और बहुत ज्यादा कैडे वाला मजा आने वाला है। देखते हैं रोड किस तरीके से खाली है और पुलिस वाले रोक रहे हैं या सब रोड पे घूमे जा रहे हैं, जो भी होगा व्लॉग में आप देखोगे, तो व्लॉग को पूरा एंड तक देखना। सो बूम 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 मेरे चीतों, कैसे हो आप सब? आप देख रहे हो अपना विशाल, बूम एक्साइटमेंट कंट्रोल के बाहर है, तो व्लॉग को शुरू करते हैं। तो आज काफी दिनों बाद घर से बाहर जा रहे हैं, तो खुशी देख रहे हो, मतलब राइडर सोल का हेलमेट देख आया हूँ कि व्लॉगिंग करने के लिए। मेरा हेलमेट तो चोपड़ा वाले के पास है। आवाज़ कैसी आ रही हो नीचे कमेंट करके बताना, बाकी जैसी भी आ रही होगी देखनी तो आपको ऐसी ही पड़ेगी। सबसे पहले तो सैनिटाइजर लेते हैं, सबसे ज़रूरी मास्क, क्योंकि मास्क के बिना तो हॉस्पिटल में देख ही नहीं रहे हैं। और बाइक की चाबी, कैली कैली बाय। पहले जो था हमारे कॉलोनी ना, यहाँ पर पूरी भरी रहती थी, इस टाइम देख रहे हो पूरी खाली हो गई है। मतलब ये मेडिकल की दुकान होती थी, ये भी बंद हो गई, सिर्फ इस टाइम जो काम कर रहे हैं एमसीडी वाले कर रहे हैं। और रोड पे मतलब अभी तो यहाँ तो मेरे को कोई लोग नहीं दिखे ज़्यादा। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कितने दिखते। बाकी मतलब जो वेव्स आ रही है ना, वाइब्स कहते हैं, जो वेव्स कह रहा हूँ मैं, जो वाइब्स आ रही है बहुत बढ़िया वाली आ रही है। काफ़ी दिनों बाद घर से बाहर निकलने को मिला है। मम्मी वैसे अपने यहाँ तो इलाका ऐसे ही रहता था ना, इतना ही रहता था अपने आज, कुछ मतलब ज़्यादा भरा नहीं रहता था जितना अभी है। बस रोड पे दुकानें खुली होती थी, उसी की वजह से भीड़ होती थी। मतलब हमारे यहाँ जो था ना, मतलब दुकानें खुली होती थी उस वजह से भीड़ होती थी। बाकी जो ज़्यादा कुछ हाला फ़र्क नहीं दिखा है। ये सब्ज़ी वाले आने लग गए हैं, पहले सब्ज़ी वाले मतलब ऐसे नहीं आते थे, पहले हमें जाना पड़ता था लेने के लिए, अब ये गलियों में आने लग गए हैं। मेन रोड का देखते हैं मेन रोड का क्या हाल है। अगर मेन रोड की मैं बात करूँ ना, तो मेन रोड पे भी अब मतलब उतने व्हीकल नहीं दिख रहे हैं, उतने लोग नहीं दिख रहे हैं जितने मतलब लॉकडाउन से पहले दिखते थे। मतलब लोग पालन कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो प्रॉपर पालन कर रहे हैं। और गली में भी आपने देखा था, मतलब ज़्यादा हमारे यहाँ जो मोहल्ला था उसमें भी लोग नहीं थे, और यहाँ तो भाई साहब ये लगा लो अगर 100% लेते हैं, 100% में से 5% लोग अभी रोड पे दिख रहे हैं आपको। बाकी आगे ना अभी पुलिस का ना नाका है, अब नाके में देखते हैं चेकिंग हो रही है नहीं हो रही। अभी जो टाइम हो रहा है ना, 8:31 हो रहे हैं, और 6 से 9 बाहर सामान लेने का टाइम है मतलब निकल रखा। बट ये इस तरफ नजफगढ़ पड़ता है, उस तरफ द्वारका पड़ता है। अब रोड क्रॉसिंग करने का है या नहीं है, ये देखो सामने देख रहे हो लफंडर, बिना मतलब के जिनको बाहर निकलने का कीड़ा होता है वो ये रहे लोग। अब देखते पुलिस वाले होंगे तो ये वापस हो जाएंगे, नहीं होंगे तो चले जाएंगे। ये देखो लफंडर लोग, क्या कर सकते हैं भाई इन लोगों का, इनके कीड़ा होता है पिछवाड़े में। चेकिंग चल रही है मेरे ख्याल में, नहीं ऐसे ही जा रहे हैं। बाकी अपने को दिक्कत नहीं है, अपने पास मेडिकल की पूरी रिपोर्ट है, पुलिस वाले पूरे साइड बैठे हुए वहाँ पर, और अपन तो निकल गए। ये जो पार्क आप देख रहे हो ना, इस पार्क में किसी टाइम हम बैट बॉल खेला करते थे। करीबन 15 से 16 दिन हो गए हैं हम इस पार्क के दर्शन नहीं करे हैं। ये है भाई जो कोरोना के जो मरीज आ रहे हैं ना हमारे यहाँ, इसमें रखे जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस का बैरिकेड लगा दिया है, ये वाला रोड तो पूरा बंद कर दिया है, ये वाला खोल रखा है मतलब आने जाने के लिए। और इसकी जो मेन एंट्रेंस है वो यहाँ पर है, ये जो गेट देख रहे हो ना, यहाँ से एंट्रेंस है इसके अंदर, और अंदर ही जितने पेशेंट है वो रखे गए हैं। वो वाला रोड देखो पूरा बंद कर रखा, वहाँ तक मतलब वहाँ से जहाँ से कट था वहाँ पर खोल बंद कर दिया था, और यहाँ पर जहाँ से मतलब ये वाला जितना भी एरिया है वो बंद कर दिया है, और ये वाला एरिया चालू कर रखा है। अभी तक पुलिस वालों ने कुछ नहीं कहा, आते टाइम देखते हैं, क्योंकि आते टाइम बच जाएंगे 10, और 10 बजे के मतलब 9 बजे के बाद तो पुलिस वाले रोकना चालू कर देंगे। तो जिस हॉस्पिटल में हमें आने को टाइम लगता था भाई 45 मिनट से आधा घंटा लगता था, आज उस हॉस्पिटल
हम मात्र 15 मिनट में आ गए हैं, हॉस्पिटल हमारे राइट साइड पे ही है। टोकन तो बंद ही हो गया होगा, मेरे को वो दे देना, मास्क दे देना। अब क्या करूँ, हेलमेट ऐसा है, यहाँ पर कैसे सिस्टम कर रखा है। लाओ उतर दो, मेरे को मास्क दे दो बस। यहाँ पर इस ये किस चीज़ की भीड़ लगी हुई है समझ नहीं आ रही, पर्ची लेने के भी नहीं हो सकती। भाई शुभम तेरी वजह से ना सब हेलमेट देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं ना मेरे को सिर्फ हेलमेट की वजह से देख रहे हैं। ये लाइन लगी है मेरे लिए, मतलब यहीं आके मेरे को भी लगना है अभी, और इस हेलमेट की वजह से सारे लोग देख रहे हैं। क्या यार, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर तो रखा जा रहा है ख्याल, यार हंसी आ रही है। नॉर्मल हेलमेट होता ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट ये हेलमेट ही अजीब है। बाइक लगाने की जगह मिलेगी आज आगे, लेट्स सी 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 सी, कहीं तो मिले, कहीं तो मिले, मिल गई, इसी में लग जाएगी अपनी। तो जगह लग गई, दवाई लेते हैं फिर आपसे मिलता हूँ, क्योंकि बीच में हम मेरे बस की नहीं है यहाँ पर व्लॉगिंग करना, क्योंकि सारे लोग इस हेलमेट को ही देखेंगे इस टाइम। 2 hours later आज बहुत टाइम लग गया ना, 3 दिन छुट्टी थी, आज हमें नहीं आना चाहिए था। बोल तो रही है ना आते, आज जब लड़के को लेके नहीं आए हो, तुम्हारा नहीं दिया कर, लड़के का नहीं देंगे। ओ कर लो जो करना, मैं नहीं सुधरना, गल्ला में मना किससे सरकार की, ये चीज सिर्फ टिकटॉक पे अच्छी लग रही है। आज रियलिटी में देख के आए तुम्हारा भाई, जो ये चीज सोच के निकल रहे ना घर से बाहर, उनका पिछवाड़ा ना लाल करा जा रहा है। इस कलर में लाल देखते हो ना, लाल का कलर पता ना बंदे का पिछवाड़ा किस कलर का होता है, उस तरीके से लाल करा जा रहा है। अभी आपने देखा मैं दवाई लेके निकल आई, और इस हेलमेट की वजह से ना मैं व्लॉग नहीं कर पाया, मतलब ये जो इसके ऊपर लगा हुआ है ना, इसके वजह से सारे लोग मेरे को देखते, और मेरे मम्मी कह रहे तो इसको बंद कर अभी व्लॉगिंग और निकल घर चलते हैं, लेट हो रहे हैं। वैसे भी 11 बज गए थे, और चेकिंग जो हो रही थी ना वो बहुत तगड़े तरीके से हो रही थी, किसके पास पास है, कौन किस वजह से निकला है, कब निकला है और क्यों निकला है, सब कुछ मतलब नोट डाउन हो रहा था, गाड़ी का नंबर नोट डाउन हो रहा था, किसके पास मास्क है, जिसके पास मास्क नहीं है उसकी तो चाबी लॉक करके सीधा मतलब कि गाड़ी लॉक कर दे रहे थे, ऐसा कुछ सिस्टम चल रहा था। बाकी मैंने ज़्यादा डीप में कुछ लिया नहीं, क्योंकि मेरे पास तो भाई पूरे पड़ी थी मेडिकल की जो पर्ची वगैरह थी वो पूरी पड़ी थी, भैया अभी दवाई लेके आए हैं, तो हमारा तो ज़्यादा कुछ सीन सपाटा नहीं हुआ। चार पाँच जगह रोका, चार पाँच जगह यही बताया, और तुरंत निकल लिए। इस हेलमेट की वजह से ज़्यादातर वैसे मेरे को लोग जा रहा था, क्योंकि लफंडर टाइप वाला कुछ हेलमेट सा लग रहा है ना, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा लेकर जा रहा था। तो ये वाली वीडियो कुछ इतनी थी, बट आज मैंने रास्ते में पता है क्या देखा, मतलब जो पक्षी होते हैं ना, जैसे आपने कभी देखा होगा, कभी आप निकलते हो घर से बाहर तो चबूतरे पे कई सारे पक्षी बैठे होते थे, जिसको हम दाना देते थे, बाजरा हो गया, गेहूँ हो गया, मतलब इस टाइम पे ना उनको ये देने वाला कोई भी नहीं है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं पास करवाऊँ अरेंज किसी तरीके से, कि इनको फीडिंग कर सकूँ, कि घर से बाहर निकलूँ और इनको फीड कर सकूँ, कुत्तों को हो गया, ये पक्षी को हो गया, गायों को हो गया, इनको फीडिंग कर सकूँ। अगर ऐसा होता है तो आगे चल के आपको ब्लॉग्स पर पता चल जाएगा। होप करो कि ऐसा हो जाए, क्योंकि मेरा मन है खुद दिल से कि ऐसा मैं करूँ। अगर हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, घर पर रहेंगे, स्टे होम स्टे सेफ वाली सिस्टम चलता रहेगा। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, ये वाला ब्लॉग इतना ही था। टिल देन वीडियो को तो लाइक कर दो, और घर से बाहर निकलने की गलती बिल्कुल भी मत करना चाहे किसी भी वजह से, और मास्क और सैनिटाइजर का यूज ज्यादा से ज्यादा करो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल, बूम।